चक्रा ऑल्सो वी हैव फिनिश्ड. थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा कंट्रोल्स द एंटायर थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, एंड सारे ही चक्रास इंपॉर्टेंट है, बट थ्रोट से आप क्या कर सकते हो बताओ. कम्युनिकेशन यस अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर यस योर एक्सप्रेशन, इवन आपका जो वॉइस टोन है वो भी पता लग जाता है. आप गुस्से में बोलोगे तो कैसा टोन होगा, प्यार से बोलोगे तो कैसा होगा, डांट के बोलोगे तो कैसा होगा, है ना. दैट एक्सप्रेशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम थ्रोट चक्रा. थ्रोट चक्रा इज थ्रोट चक्रा एंड सेक्स चक्रा बोथ आर जॉइंट. जब थ्रोट चक्रा में, फॉर एग्जाम्पल, किसी का थायराइड है, ठीक है, थायराइड कम्स फ्रॉम थ्रोट चक्रा बिकॉज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, राइट. थ्रोट चक्रा के बाद जब आपकी हीलिंग करनी होगी, आपको सेक्स चक्रा की करनी होगी. क्यों? क्योंकि उसको उधर भी प्रॉब्लम जरूर होगा. वैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो थ्रोट का करना होगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा होगा अपना कम्युनिकेशन, अपना रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो पेंट अप इमोशन होगा उसका, ठीक है. सो बोथ द चक्रास गेट अफेक्टेड. सेम आपने मेरे को बोला था आपकी वाइफ का ब्रेन हैमरेज हुआ था, राइट प्रमोद जी. जी ब्रेन में जब कुछ भी होता है, यू हैव टू वर्क ऑन द सेक्स चक्रा. ब्रेन का जो फंक्शन है वो सेक्स चक्रा के थ्रू जाता है. ओके, दैट माइट बी मेमोरी, दैट माइट बी ब्लड फ्लो, दैट माइट बी ऑक्सीजन फ्लो. आप लोगों को पता है डिमेंशिया, या जैसे जैसे ओल्ड होते रहते हैं हम लोग, क्यों हम लोगों को बीमारी ऐसे ऐसे आती है ब्रेन रिलेटेड. भूल जाते हैं, जो बोलते रहते हैं वही बोलते रहते हैं, किसी को डांटना होगा तो डांटते ही रहते हैं. ओल्ड पीपल तो हम मेजरली सब लोगों ने देखा होगा, सबके साथ ऐसे ही मेजरली होता है ना, राइट. सो वो क्या होता है, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है जैसे जैसे ओल्ड हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि सेक्स चक्र काम नहीं करता. सी, सेक्स चक्र डजेंट मीन्स ओनली टू हैव सेक्स. नो, इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी, मैंने पहले भी बोला है, एंड आपका अपना सिद्धि पावर भी थ्रोट और सेक्स से आता है. सिद्धि पावर इज अगेन द स्पिरिचुअल पावर. स्पिरिचुअल पावर किसी का कितना है, आप लोगों को पता है ना. बहुत सारे साधु संत इलीगल काम करते हुए पकड़े गए हैं, बहुत सारे, ऑल दीज राम रहीम एंड ऑल, राइट. बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जाते हैं. व्हाई? यू नो, बिकॉज जैसे जैसे मेडिटेटिव पावर हाईएस्ट लेवल में करते हो, यू हैव टू बैलेंस योर थ्रोट एंड ऑल द चक्रास. बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन द चक्रास व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी. बिकॉज हमारा जो फंक्शन है फिजिकली तब होता है, पहले हमारे चक्रास पे काम करना शुरू कर देता है. ओके मैम, तो जो ज्यादा ये मतलब जो गुरु है जो मतलब जो पकड़े गए, तो मैम क्या इनका इनबैलेंस हो जाता है मैम सेक्स चक्र, या हाँ ओवर एक्टिव हो जाता है मैम? हाँ किसी का नाम बताइए, वी विल स्कैन टुडे. मैम जैसे मैम आसाराम बाबू. एग्जैक्टली, मेरे भी माइंड में अभी वही चल रहा था. वी विल स्कैन जस्ट टू नो कि भाई सेटिस्फेक्शन, हमारे प्रेडिक्शन के सेटिस्फेक्शन के लिए. वैसे तो ही हैज बिकम ओल्ड नाउ, बट स्टिल अर्ज मत रहेगा ना, वो अर्ज कहाँ जाएगा, राइट. मैम, एक हिप्नोटिज्म भी होता है ना, जो मास हिप्नोटिज्म अ लॉट ऑफ पीपल से, जैसे ही गुरुजी वगैरह जो काफी लोग कहते हैं कि मास हिप्नोटाइज कर लेते हैं थ्रू देयर वाक शक्ति या थ्रू देयर थ्रोट चक्रा, तो वो भी हम मतलब उस पे काम करते हैं तो हमारे बोलने से लोगों पे प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ है. हाँ, बिल्कुल. नाउ दे कंट्रोल योर अपर चक्रस, दैट इज हिप्नोटिज्म. दैट इज हिप्नोटिज्म इज गुड ऑल्सो बैड ऑल्सो.
जो हम लोग हिप्नोथेरेपी लेते हैं दैट इज टोटली गुड, हमें उसके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द पब्लिक, राइट? जी मैम, सो दैट कम्स फ्रॉम दे हैव कंट्रोल्ड योर, बेसिकली दे हैव कंट्रोल्ड योर अपर चक्र, ये वाला एरिया। तो उसके बाद क्या होता है, आप वो जो भी बोलेंगे आप कर ले, तो उनको छोड़ो ना, नॉर्मल सेल्स पर्सन, हैव यू बीन टू एनी जिम, इतना पीछे पड़ते हैं वो लोग, मैम ये कर लो, मैम ये खरीद लो, मैम ऐसा कर लो, मैम इसका डिस्काउंट है, मैम ये है, मैम वो है, छोड़ते ही नहीं है वो लोग। एनी सेल्स पर्सन जो आपके पीछे पड़ के आपसे करवा लेता है, ही हैज द सेम पावर। आप दे देते हो इन्फ्लुएंस में किसी को भी, जब आप इन्फ्लुएंस होके कर देते हो, उसने तो आपका चक्र कंट्रोल ही कर लिया ना फिर। सो थ्रोट,